हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे गवर्नर के बारे में। तो पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने आप लोगों को बता दिया था कि गवर्नर की वर्किंग क्या है, किस तरह से गवर्नर वर्क करता है, किसी भी इंजन पे जो स्पीड का फ्लक्चुएशन है, लोड का जो फ्लक्चुएशन है, उसको कंट्रोल करना किस तरह से कंट्रोल करता है। एक बार फिर से थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि ये देखिए जो डायग्राम हमने बनाया हुआ है, इसमें जो बॉल है, फ्लाई बॉल, ये यहाँ पर अटैच है। ये वाला जो पोर्शन है ये आर्म है, जिसको हम लोग आर्म बोलते थे, ये आर्म है। और इस फ्लाई बॉल की ये जो स्पिंडल है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती थी वो क्या होती थी, आर होती थी। और ये जो फ्लाई बॉल का सेंटर है, इस सेंटर से जहां पर ये आर्म पिवोटेड होती थी स्पिंडल पे, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती थी वो क्या होती थी, एच, जिसको हम लोग बोले थे हाइट ऑफ गवर्नर। तो देखिए इसमें क्या है कि किस तरह से वर्क करता है। देखिए जैसे ये जो शाफ्ट है, ये इंजन की शाफ्ट है, इंजन से कनेक्टेड हुए, इंजन की पावर इस बेवल गियर से ट्रांसफर होती है इस स्पिंडल पर। तो जब ये स्पिंडल रोटेट करता है इस डायरेक्शन में, जब ये रोटेट करेगा तो स्पिंडल से जो अटैच है ये फ्लाई बॉल्स और ये स्लीव, तो ड्यू टू दिस रोटेशन ये बॉल्स भी रोटेट करना स्टार्ट करती हैं। और जब ये बॉल्स रोटेट करना स्टार्ट करती हैं तो बॉल्स पर दो तरह के फोर्स नेचर में आते हैं। वो सबसे पहला क्या आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि इसके रेडियस ऑफ रोटेशन के रेडियली आउटवर्ड होगा, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे एफसी से। और ये जो बॉल है इसका वेट डाउनवर्ड लगता है, तो ये हो गया वेट ऑफ बॉल डाउनवर्ड लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके रोटेशन के रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ड्यू टू दिस एफसी जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो ये जो बॉल्स हैं ये फ्लाई आउट होने की कोशिश करेंगी। फ्लाई आउट का मतलब कि बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगी। और जब ये बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगी तो देखिए यहां पर ये बॉल्स पर एक एक्स्ट्रा लिंक अटैच है, जो कि ये बीसी है। ये बीसी जो है इस स्लीव को कनेक्ट किए हुए है। और जब ये बॉल्स बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करेंगी तो ये स्लीव ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे ये स्लीव ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा कि ये जो स्लीव है, स्लीव से कनेक्टेड है ये लीवर, इसको बोलते हैं बेल क्रैंक लीवर। ये बेल क्रैंक लीवर, जो बेल क्रैंक लीवर है इसके थ्रू यहां पर अटैच्ड है थ्रॉटल वॉल्व, इसको बोलते हैं थ्रॉटल वॉल्व। और थ्रॉटल वॉल्व की जो ओपनिंग है उसमें चेंज होता है। जैसे ही क्या हुआ कि आपका इंजन रन कर रहा है, इंजन रन कर रहा है और इंजन पर लोड अचानक कम हो गया, और जैसे ही इंजन पर लोड कम हो जाएगा तो इंजन की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब इंजन की स्पीड इंक्रीज होगी, मतलब क्या है कि इस बेवल गियर के थ्रू जो स्पिंडल पर रोटेशनल स्पीड है वो बढ़ जाएगी। और जैसे ही ये स्पीड, रोटेशनल स्पीड बढ़ेगी तो ये जो फ्लाई बॉल्स हैं ये और बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। और जब फ्लाई बॉल्स बाहर की तरफ मूव करेंगे तो ये स्लीव जो है ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करेगी। और जब ये स्लीव ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करेगी तो बेल क्रैंक लीवर से ये जो थ्रॉटल वॉल्व है ये क्लोज हो जाता है। जैसे ही स्लीव ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ये जो थ्रॉटल वॉल्व है इसकी जो ओपनिंग है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। वो कुछ इस सिचुएशन में आ जाएगा जब स्पीड बढ़ जाएगी। और जब इस सिचुएशन में आ जाता है तो जो ओपनिंग थी जहां पर ये आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर है एफएम, जो कि इंजन सिलेंडर को ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है जब इसकी ओपनिंग कम हो जाएगी तो फ्यूल की सप्लाई इंजन को कम मिलेगी। और जब फ्यूल की सप्लाई इंजन पर कम आएगी तो क्या होगा कि इंजन कम पावर डेवलप करेगा, और जब इंजन कम पावर डेवलप करेगा तो इसकी जो रोटेशन है वो फिर से कम हो जाएगी। और जब रोटेशन फिर से कम हो जाएगी ड्यू टू दिस वेट एंड दिस मास, पोर्टर गवर्नर के केस में हम लोगों ने यहाँ पे एक मास अटैच किया हुआ है, ऐसा डेड वेट गवर्नर में, वॉट गवर्नर जो था उसमें ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं था, तो पोर्टर गवर्नर में हमने यहाँ पर एक मास अटैच किया हुआ है
ड्यू टू दिस सॉरी वेट और वेट ऑफ फ्लाईवाल, इन दोनों की वजह से जैसे ही स्पीड कम होगी गवर्नर की तो ये बॉल्स जो है इनसाइड अंदर की तरफ आना स्टार्ट करेंगे, और जब बॉल्स अंदर की तरफ आना स्टार्ट करेंगे तो स्लीव जो ऊपर गई थी वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगी, और जब स्लीव नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगी तो जो थ्रॉटल वाल्व है ये फिर से ओपन हो जाएगा, और जब फिर से ओपन हो जाएगा तो फ्यूल की सप्लाई फिर से बढ़ जाएगी। तो एक जो मेंटेन रेशियो होता है वो आपकी जो स्पीड है, जो पावर है, जो इसकी रोटेशनल स्पीड है वो मेंटेन रहेगी ड्यू टू दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ थ्रॉटल वाल्व। तो जो इंजन गवर्नर होता है वो इसी तरह से कंट्रोल करता है लोड के फ्लक्चुएशन को। मान लेते हैं जो इंजन है उस पर अचानक से लोड बढ़ गया, जब अचानक से लोड बढ़ जाएगा तो एक स्पीड पर जब ये वर्क कर रहा था, गवर्नर रोटेट कर रहा था, और अचानक से स्पीड बढ़ गई इंजन की, सॉरी अचानक से स्पीड कम हो गई इंजन की, तो अचानक से स्पीड कम होने का मतलब क्या है कि इंजन पर लोड बढ़ गया, और जब इंजन पर लोड बढ़ गया तो स्पीड इसकी कम हुई, और स्पीड कम होने से ये जो बॉल्स हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट किए, और जब ये अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट किए तो ये जो स्लीव है, स्लीव को हम एस नाम दे देते हैं, ये जो स्लीव है एस, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दी, और जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट की तो इसकी जो ओपनिंग है थ्रॉटल वाल्व की ओपनिंग बढ़ गई, और जब ओपनिंग ज्यादा हो गई तो एयर फ्यूल का मिक्सचर ज्यादा एंटर कर रहा है इंजन के पास, तो जब ज्यादा एयर फ्यूल का मिक्सचर एंटर करेगा तो जो पावर है वो फिर से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा इंजन, और स्पीड हमारी मेंटेन हो जाएगी। तो इस तरह से गवर्नर जो है वर्क करता है हमारे इंजन की स्पीड के लोड फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने में। तो देखते हैं जो पोर्टर गवर्नर है इसकी जो मैकेनिज्म होती है, इसमें जो हाइट ऑफ गवर्नर का डेरिवेशन है वो किस तरह से किया जाता है। तो ये जो अरेंजमेंट है आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया है, तो देखते हैं यहां पर एक नोट हमने लिखा है, द लिंक बीसी हैज रोटेटिंग एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन, देयरफॉर इट हैज प्योर रोटेशन अबाउट इट्स आई सेंटर। लिंक बीसी की बात करते हैं, बीसी तो देखिए जो जब ये रोटेट कर रहा था तो ये फ्लाई बॉल भी रोटेट कर रहे थे, और फ्लाई बॉल के साथ ये लिंक कनेक्ट है, ये लिंक भी रोटेट कर रहा था, और रोटेट करते समय ये स्लीव ऊपर की तरफ जा रही थी, तो एक टाइम पे ये जो बीसी लिंक है इसके दो मोशन हो रहे थे, पहला रोटरी मोशन और दूसरा ट्रांसलेटरी मोशन, जो स्लीव ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव कर रहा था। तो जब भी कोई लिंक इस तरह से रोटेट करता है कि एक समय में इसके दो मोशन होते हैं, तो उस लिंक को हम लोग ये ज्यूम करते हैं कि ये लिंक अपने आई सेंटर के अबाउट प्योर रोटेशन में होगा, तो इसकी रोटेशन को कंसीडर करेंगे हम लोग, न कि ट्रांसलेशन को। तो देखते हैं इसका आई सेंटर कहां पे आएगा। आई सेंटर हम लोग बनाते हैं इस तरह से, जैसे ये लिंक जो कनेक्टेड है तो इस लिंक को, इस लिंक के दोनों एंड को प्रोग्रेस करेंगे, जहां पर दोनों कट करते हैं वही होता है आई सेंटर। जैसे ये बीसी है, एबी से यहां पे कनेक्ट है, तो इस लिंक को हम इधर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, इस लिंक को हमने प्रोजेक्ट कर दिया इधर की तरफ, और लिंक बीसी यहां पर स्लीव से कनेक्टेड है तो इस स्लीव को भी हॉरिजॉन्टली हमने प्रोजेक्ट कर दिया। ये जिस पॉइंट पर कटा है यही है इसका आई सेंटर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। और अगर हम इस बी पर एक परपेंडिकुलर डाल दें इस आई सेंटर की एक्सिस पे, और इस पॉइंट को हम नाम दे दें डी, तो देखिए आप लोग ध्यान से कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो होगा, ये डब्ल्यू बी को हम यहां पे लिख देते हैं, थोड़ा सा वेट ऑफ बॉल डाउनवर्ड लगेगा ही, ये जो एंगल होगा वो होगा अल्फा एंगल, और ये एंगल अगर बीटा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा बीटा। नाउ अब देखिए क्या है कि जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन होगी तो इस पॉइंट आई के अबाउट जो ये फोर्सेस लग रहे हैं एफसी, वेट ऑफ बॉल, और जो वेट ऑफ मास है, ये जो मास यहां पर सेंटर में हमने अटैच किया हुआ है,
इसका भी जो इफेक्ट है वेट है ये लगेगा इस सेंटर पे, इसके सेंट्रल पे W, W S स्लीप पर लग रहा है तो हम यहां पे W S नाम दे दे रहे हैं। तो ये जो W S लग रहा है ये टोटल पे लगेगा, तो ये जो वेट है ये W S इस पूरे गवर्नर पे लग रहा है। जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो इसके हाफ पार्ट की कर रहे हैं, तो W S जो होगा W S by 2 इस पॉइंट जो C है यहां पर लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा W S by 2 और W S by 2 इस पॉइंट पे भी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में W S by 2। ओके नाउ अब जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम में इस आई सेंटर के अबाउट हम मोमेंट ले लेंगे, और जब आई सेंटर के अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या होगा कि इसके अबाउट देखिए ये जो फोर्स एफ सी है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एफ सी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी डी, एफ सी इंटू बी डी ये जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, और इस आई के अबाउट ये जो डब्ल्यू बी है ये WB है इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम एक साइड लिखेंगे, तो WB वेट ऑफ बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और इसका डिस्टेंस कितना है I into D, तो WB into ID प्लस WS by 2, WS by 2 लग रहा है C पर और डिस्टेंस कितना है I into C, I to C तक है तो WS by 2 into IC इतना है। अब देखिए यहां से BD को हम इस इधर भेज देते हैं, तो BD जब इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा WB into IT divided by BD plus WS by 2, और IC को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, IC यहां से यहां तक है तो IC को हम लिख सकते हैं CD plus ID, तो ID plus CD divided by BD हमने यहां पर इसको लिखा। इसके बाद अगर आप देखिए ये ID by BD, ID बाई BD ये एंगल अगर अल्फा है तो ID बाई BD क्या हो जाएगा tan अल्फा, और अगर हम इसको ID बाई BD प्लस CD बाई BD कर दें तो ID बाई BD तो हो गया tan अल्फा और CD बाई BD का क्या हो जाएगा CD बाई BD, तो ये एंगल है बीटा तो ये एंगल क्या हो जाएगा tan बीटा, तो यहां से आ गया आपका इक्वेशन FC is equal to WB into tan अल्फा प्लस WS by 2 tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब यहां से क्या करते हैं tan अल्फा कॉमन ले लेते हैं, WB प्लस WS by 2 1 प्लस tan बीटा by tan अल्फा ये इक्वेशन आ गई है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो आगे क्या करना है कि ये जो FC है ये जो आपका tan अल्फा WB प्लस WS by 2 1 प्लस tan बीटा by tan अल्फा है, तो यहां पर हम देखते हैं tan बीटा by tan अल्फा को हम मान लेते हैं k, k is equal to tan beta by tan alpha है, तो यहां पे पुट करेंगे equation fc is equal to tan alpha wb plus ws by 2 1 plus k आ जाएगा। now अगर ये जो fc है क्या है centrifugal force है, तो centrifugal force की वैल्यू क्या होती है m r omega square, और ये लग रहा है इस बॉल पे फ्लाई बॉल पे, तो यहां पे मास किसका हो जाएगा इस फ्लाई बॉल का, तो मास ऑफ बॉल mb r, r क्या है इसका रेडियस ऑफ रोटेशन, तो r आपका ये डिस्टेंस है r ओमेगा स्क्वायर, जिस स्पीड से ये रोटेशन कर रहा है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टेन अल्फा, टेन अल्फा देखिए ये डिस्टेंस यहां से यहां तक आर है और ये डिस्टेंस है एच, तो ये आर और ये एफ ये एंगल अल्फा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर बाई एच, तो आर बाई एच ब्रैकेट में डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू एस बाई टू वन प्लस के, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और मास मास की बात करते हैं क्योंकि इसमें सारे टर्म जो हैं वेट के टर्म पे हैं, अगर मास को वेट के टर्म में लिखें तो डब्ल्यू बी वेट ऑफ बॉल डिवाइडेड बाय जी इनटू ओमेगा स्क्वायर और रेस्ट इक्वेशन वन बाय एस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू एस बाय टू वन प्लस के इतना रहेगा ही, तो यहां से इस इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एच की, जो कि है हाइट ऑफ गवर्नर, हाइट ऑफ गवर्नर, और ये हाइट ऑफ गवर्नर क्या हो जाएगा
एच इधर आ जाएगा, डब्ल्यू बाई जी इधर आएगा, तो जी बाई ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और वेट ऑफ बॉल इस होल के डिवाइड हो जाएगा डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू एस बाई टू वन प्लस के होल डिवाइड बाई डब्ल्यू बी। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इन लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि इसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। नाउ अब इसमें बात करते हैं थोड़ा सा एक कंडीशन की कि अभी तक देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये जो स्लीव है ये अप एंड डाउन मूव कर रही है और जब भी दो कॉन्टैक्ट सर्फेसेस ड्यूरिंग मोशन जो सर्फेस के बीच में कॉन्टैक्ट होता है तो मोशन का एक सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कंसिडर करना पड़ेगा आपको ना चाहते हुए भी यहां पर, आप जबकि ये चाह रहे हैं अगर फ्रिक्शन ना होता है यहां पर तो हल्का सा भी अगर इसके रोटेशन में चेंज होता तो उसको ये कंसीडर कर लेता, लेकिन थोड़ा बहुत जो चेंज होता है वो फ्रिक्शन की वजह से ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और फ्यूल की सप्लाई को कम या ज्यादा नहीं कर पाता है, तो एक ड्रॉबैक है ये, तो इसलिए हमको फ्रिक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा यहां पर। और जब हम फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं तो देखिए क्या है कि तो जब आप फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे तो देखिए हम यहां पर दो सिचुएशन बना रहे हैं। आप हमेशा जो फ्रिक्शन को कंसीडर करके एनालिसिस करेंगे वो करेंगे मीन पोजीशन से, तो मीन पोजीशन में हमने ये स्लीव को बनाया हुआ है, स्लीव के ऊपर मास को, क्योंकि स्लीव मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन यहीं पर आएगा। तो फ्रिक्शन के लिए आपको क्या करना है, ये हाफ पोर्शन है डब्ल्यू एस बाई टू इस पॉइंट पे लग रहा है सी पर, जो कि ये पॉइंट सी यहां पे है और ये पॉइंट यहां पे है। तो मीन पोजीशन से अगर स्लीव ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो जब मीन पोजीशन से स्लीव ऊपर की तरफ मूव कर रहा है इसका मतलब क्या है कि ये जो गवर्नर है वो अपनी मैक्सिमम स्पीड की तरफ बढ़ रहा है। जब मैक्सिमम स्पीड बढ़ेगी तभी तो स्लीव ऊपर जाएगा, तो जब स्लीव ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर लगेगा, अपोजिट टू द मोशन। और जब अपोजिट टू मोशन फ्रिक्शन लगेगा, जब मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, और सेम यही अगर मीन पोजीशन से ये स्लीव डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब गवर्नर की जो स्पीड है वो कम हो रही है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि स्लीव डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो ये फोर्स है ये कहां पे इफेक्ट कर रहा है, वेट ऑफ स्लीव के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको ये इफेक्ट कर रहा है। तो जो इक्वेशन हमने फाइनल डिराइव करी थी हाइट ऑफ गवर्नर की, उसमें क्या चेंज आएगा, जी बाई ओमेगा स्क्वायर ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस वेट ऑफ बॉल कोई चेंज नहीं, प्लस अब ये आएगा डब्ल्यू एस वेट ऑफ स्लीव प्लस माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय टू फ्रिक्शन फोर्स ब्रैकेट में वन प्लस के और होल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फ्लाई बॉल। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी हाइट ऑफ गवर्नर की जब फ्रिक्शन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो यहां पर प्लस और माइनस हमने लिखा है, प्लस आप किसके लिए लेंगे, पॉजिटिव होगा किसके लिए, जब स्लीव मीन पोजीशन जब स्लीव मीन पोजीशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, सॉरी आपको आप ऊपर जाएगी, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगी तभी तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो जो पॉजिटिव होगा फॉर अपवर्ड मोशन, ये ध्यान रखिएगा ये मीन पोजीशन से बात हो रही है अपवर्ड मोशन, और नेगेटिव होगा किसके लिए, फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ स्लीव। नाउ द लेक्चर इज ओवर, आप लोग यहां तक इसको याद कर लीजिएगा, डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है। आई होप सभी को समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रोइल गवर्नर के डेरिवेशन और उसकी वर्किंग के बारे में। थैंक यू।